नमस्कार, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हूँ और मुंबई में रहकर एक पत्रकार, लेखक और कलाकार के तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करती हूँ। मेरे साथ अनाचार की घटना घटी, जिसके बाद मैंने 16 नवंबर को वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर FIR 25 नवंबर को दर्ज की गई, वो भी बहुत मशक्कत के बाद। इसमें आरोपी है आयुष तिवारी, जो कि रीवा मध्य प्रदेश के रहवासी हैं और मुंबई में एंटी कास्टिंग एजेंसी में कास्टिंग एसोसिएट के तौर पर काम करते हैं, और उनके साथ ही राकेश शर्मा। फिलहाल आयुष तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी वो गिरफ्त से बाहर हैं। राकेश शर्मा के खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। मुंबई पुलिस का कहना है कि फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे मुंबई पुलिस पर कोई शक नहीं है, उनकी गतिविधियों पर, उनकी इन्वेस्टिगेशन पर जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो रहा है। बीच में मुझे धमकियां भी दी गई आरोपी पक्ष की ओर से। मैं सोचती हूँ, जब हमारे ऐसे मसले सामने आते हैं तो हमें उस पर तेजी के साथ जांच करके इसमें न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पीड़िता पहले से ही ट्रॉमा से गुजर रही होती है और उसके बाद ये होने वाली प्रोसेस उसे और किस हद तक ट्रॉमा में ले जा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार से मेरी गुजारिश है कि उन्होंने अब तक पूरी तरह मेरी बात नहीं सुनी है, तो उन्हें सुनना चाहिए। हर किसी की शिकायत गलत नहीं होती है, तो गृह मंत्रालय, यहाँ के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, वो इस बारे में सोचें और इसमें मामले में जांच में तेजी लाने की कोशिश करें। मेरे प्रदेश से भी मुझे पूरी तरह मदद नहीं मिल पाई, पर कुछ लोग हैं जो वहां से मेरी मदद कर रहे हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं, वीमेंस कमीशन है, मेरे स्टेट वीमेंस कमीशन, जो मेरी मदद कर रही है छत्तीसगढ़ की, जिसके कारण ये मामला थोड़ा चलने लगा है। और मध्य प्रदेश की पुलिस भी इसमें सहायता की उम्मीद बंधाई रखी है। मुझे आप सभी की मदद चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी जैसी कई लड़कियां हैं, और सिर्फ मुंबई और हमारी इंडस्ट्री नहीं, हमारे पूरे देश में।